जीता था, बड़ी जीत थी। आज इस श्रृंखला का ये दूसरा मुकाबला है। सिक्का उछाला कप्तान रोहित शर्मा ने और ये गिरा वेस्ट इंडीज के पक्ष में और उन्होंने फैसला किया फील्डिंग करने के लिए। स्वागत है आप सबका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में और ये दृश्य पहली बार आप देख रहे हैं वो ये कि ऋषभ पंत ओपन करेंगे एक दिवसीय मैच में पहली बार, साथ में रोहित शर्मा। टॉस जीता वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन जो कि पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट में कप्तानी भी कर रहे हैं वेस्टइंडीज के लिए और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जो कि स्वाभाविक सी बात है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बतौर ओपनर और कुल 9,265 रन अब तक बना चुके हैं रोहित शर्मा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने दिया आप विकेट, बेहतरीन गेंद ये पड़ने के बाद हिली थोड़ी सी और बॉल को फॉलो कर गए रोहित शर्मा। बारीक सा आउटसाइड एज और शे होप ने नहीं की कोई गलती विकेट के पीछे। मार रो जो अनुभवी गेंदबाज है, जरूरत थी इसकी वेस्ट इंडीज को और वो मिल गया है। तान रोहित शर्मा 5 बनाकर आउट, 9 पर 1। 259 इनिंग्स और एक दिवसीय क्रिकेट में ये इनका 250 इनिंग्स है। खराब फील्डिंग और मिलेंगे 4 रन। केमारोज रूम मिला था, ढूंढ लिया गैप को और बाउंड्री भी विराट कोहली ने। ओहो हो शानदार गेंद, बहुत ही बेहतरीन ये गेंद, चकमा दिया ऋषभ को। ये बढ़िया शॉट है, शॉट आर्म जैब, हल्का सा बैकफुट पे गए थे और 4 रन। ये लीजिए हल्का सा रूम मिला, उसका लाभ उठाया और जड़ दिया चौका। और सरप्राइज हुए थे वहां गति और बाउंस के चलते, बड़ी हिट मारने की कोशिश ऋषभ पंत को, जाना होगा वापस पवेलियन। मौके का अच्छा इस्तेमाल किया ओडीन स्मिथ ने, पोलार्ड की जगह खेल रहे और एक बड़ी विकेट, ऋषभ पंत वापस पवेलियन में। ऋषभ पंत इन्होंने बनाए 18, भारत 39 दो के नुकसान। केएल राहुल 4 नंबर पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। ये करारा शॉट, बढ़िया अंदाज से बॉल की बिल्कुल उछाल के ऊपर खड़े होकर सिर्फ दिशा दिखाई दी।